नमस्कार, मैं बीआर सर। आज आप लोगों को बताऊंगा कि शिक्षा क्यों जरूरी होता है, एजुकेशन। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरा संपूर्ण विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से, स्टडी विथ बीआर सर की तरफ से, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरे शिक्षक हैं और मेरे विद्यार्थी हैं, सभी को मंगलमय कामना हो और संपूर्ण मानव सृष्टि के जो समाज में रहते हैं, जो नागरिक लोग हैं, सबको आज का जो शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, आप सभी को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। और आइए आज बताएंगे आपको कि शिक्षा क्यों जरूरी होता है, एजुकेशन। देखिए, किसी समाज को आगे बढ़ाना है ना, उस समाज में शिक्षा का एक बिंद, एक ज्योति दे दीजिए, वो समाज आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए शिक्षा को एक बहुत ही आदर्श माना गया है और शिक्षा देने वाला गुरु को भी एक महापुरुष माना गया है। अगर अच्छा शिक्षक हो, अच्छा विद्यार्थी हो, तो समाज को और देश को आगे ले जाने के लिए किसी का जरूरत नहीं होता है, वही काफी लोग हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में, तो सदियों से माना गया है कि भारत विश्व गुरु है। क्यों? क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए और ऐसे ज्ञानी महाराजा हुए जो देश को आगे लेकर जाकर अभी तक अपने देश को बनाए रखें और अखंड भारत में सभी को शिक्षित कर किए। लेकिन क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया, तो जो भारत का संस्कृति था, जो भारत की अपना पहचान था, उसको सब मिट्टी में मिला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, आप सभी को पता होगा, उस विश्वविद्यालय में एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी था, उसको जला दिया लोग। देखिए, ये तो बहुत ही माना गया है कि जो भारत में जब मुगल साम्राज्य आया, जो बाद में अंग्रेज लोग आए, इन्होंने भारत को लूट लिया, शिक्षा के स्तर इतना गिरा दिया कि वो लोग के चलते जो भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो उनके बच्चे जो पहले हुए और बाद में हुए, वो लोग शिक्षा से इतना ना पिछड़ गए कि वो लोग आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा वो लोग चाह रहे हैं। तो आइए, पूर्ण भारत को, आप सभी को शिक्षा का ज़रूरत है और शिक्षा कैसे हम लोग पा सकें और शिक्षा सबको क्यों जरूरी है, क्यों शिक्षा लेना पड़ता है, शिक्षा से हम लोग आगे क्यों बढ़ सकें, आप सभी को इसमें बताएंगे। तो आइए चलिए, मेरा YouTube चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम हर विषय में, हर बिंदुओं पर, हर पहलू पर आपको ज्ञान देंगे और सब बात सिखाएंगे। देखिए, भारत के संदर्भ में शिक्षा लेना देना एक पुण्य का काम होता है। शिक्षा देना भी पुण्य होता है और जो लेता है, जो शिष्य है, वो भी गुरु को सम्मान करना चाहिए। ये तो पहले से चला आया है। जब आश्रम में शिक्षक गुरु थे और जब शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य हुआ, गुरु वेदव्यास, गुरु जो भी हुए वशिष्ठ, वो सभी ने अपने शिष्यों को अद्भुत शिक्षा दिए। तो आज का समाज इस तरह आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखिए, समाज में क्या होता है कि अच्छाई और बुराई, अच्छाई कम बुराई ज़्यादा हो तो क्या होगा, आप जितना भी अच्छा कीजिए आपको पीछे ही रहना पड़ेगा। तो देश को विकास करने के लिए देश का जो नेता होता है, देश के में जो भी आगे होता है, जो मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हैं, अगर आपका घर का जो मूली आदमी है, जो घर का मेन आदमी है, वो अगर काम करने लायक है, अगर उसका दिमाग तेज चले, तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। अगर घर के मेन आदमी ही वो नहीं कुछ कर पाए और सोए रहे, कुछ भी ना करे, तो वो उस घर में ना नियम रहेगा, ना कानून रहेगा, और वो घर का जो भी सदस्य है वो बस पीछे जाएंगे। तो आइए देखिए, हमने कुछ डेटा लिए हैं। हमारा सोर्स जो है यहाँ allschoolsindia.com लिखे हैं हम लोग। आइए क्या हमने यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक इंडिया का रिपोर्ट है। भारत में पहले, आज़ादी से पहले अगर हम बात करेंगे, तो हर 11 लड़की से एक लड़की शिक्षित होती थी। ये आज़ादी से पहले जिस पर भारत में वह मात्र 9% लड़की
चाहे महिलाएं शिक्षित होती थी। लेकिन समय के पास जब हम लोग आगे बढ़ते गए तो देखते हैं कि अभी के जो सेंसस के अनुसार भारत में जो एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के अनुसार UDISE के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल विद्यालय का संख्या कितना है। देखिए विद्यालय का संख्या है 15 लाख और 15.1 लाख है, जिसके चलते ये हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में का संख्या भारत में 10,32,000 है, जो कि प्राइवेट में बस महज 4,78,000 ही है। लेकिन फिर भी इतना अंतर क्यों? ये तो सही बात है कि प्राइवेट के तुलना में सरकारी विद्यालय का संख्या बढ़ना भी चाहिए और बढ़ा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट में जाकर पढ़ना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षा ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन जो शिक्षक होते हैं उनको जो तनख्वाह मिलता है, जो सैलरी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो बिल्डिंग होता है वो बहुत ही घटिया होता है, क्योंकि मरम्मत नहीं होता है, समय में रेख देख नहीं होता है, और जिसकी वजह से कभी छत गिर जाता है, कभी खाने में जो मिलता है दीवा खाना सरकारी स्कूल में वो भी कितना विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं लोग, बच्चे लोग। तो एक क्या है कि लापरवाही है। सरकार ने बजट देते हैं कि इतना शिक्षा के लिए, लेकिन वो शिक्षा ही क्या जो शिक्षा समाज और विद्यार्थियों को भविष्य उज्ज्वल ना कर पाए। इसलिए आप शिक्षा को स्तर को बढ़ाइए। विद्यालय का संख्या तो ठीक है, लेकिन देखिए सरकारी विद्यालय इन भारत हमारे भारत में जो है विद्यार्थियों गरीबी की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते, अपना उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, और विद्यालय भी होता है तो विकट में नहीं शहर में होता है लोग, और शहर में जाने के लिए सबके पास में नहीं होता है। इसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों सरकारी में पढ़ते हैं और कोई तो विद्यालय नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। और जो संपन्न है, जो इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट भेजते हैं क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छा होता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा फैसिलिटी, लेकिन उसका जो पैसा है, जो खर्चा है वो बहुत ही बढ़ता है। इसकी वजह से आप समझ कर भी इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस होता है प्राइवेट में। इसमें शिक्षा का गुणस्तर अच्छा होता है, लेकिन अच्छा के साथ साथ आपको हर महीने हर साल फीस देनी होती है। सरकार में कभी कभी मुफ्त मिलता है शिक्षा बच्चों के लिए, उसमें और भी मिलता है कि आप प्लस टू पढ़ लेंगे, 12 पढ़ लेंगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगा बच्चों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला हुआ है भारत में। लेकिन इस वजह से जो शिक्षा में आई जो तरलता है, जो बहुत ही गाढ़ा जो समस्या भी आया है, इसकी वजह से हर बच्चों के शिक्षा पहुँच से बहुत दूर है। सरकारी स्कूल में सुख सुविधा उतना नहीं जितना होना चाहिए। बिल्डिंग में बरसात में पानी पड़ता है, टपकता है, और क्लासरूम क्या होता है कि भीग जाता है, क्लासरूम लगता है कि बाढ़ आ गया है। इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आपको शिक्षा के पूर्वाधार विद्यालय को संरचना अच्छा करना पड़ेगा, उसको मरम्मत करना पड़ेगा, और उसको लॉन्ग टर्म जाने के लिए, लंबा समय तक शिक्षा करने के लिए आप शिक्षकों को, टीचरों को तालीम दीजिए, उसको ट्रेन कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, ताकि हर बच्चों को उचित शिक्षा मिले, बुढ़ा स्तर शिक्षा मिले, ताकि वो अपने देश के लिए काबिल बन सके, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वो एक आदर्श नागरिक बन सके। ये ज़रूरत भी है आज के समाज के लिए, क्योंकि आज का समाज तभी आगे बढ़ेगा, आज का भारत तभी उज्जवल होगा जब हर भारतीय मन में होगा कि हाँ शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा सबको पाना चाहिए, और ये एक आधारभूत आवश्यकता भी है। देखिए इसमें हम क्या लिखे हैं कि जो विद्यार्थी इंडिया में हैं 2020 और 21 के अनुसार, इसका संख्या देखिए आप 26.44 करोड़ जनसंख्या विद्यार्थी है। और इसके अलावा नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं इंडिया में, देखिए तो 96,96,000 के अनुपात में है, जो कि शिक्षकों को नियुक्ति जो होता है वो समय में नहीं होता है, और एक ही टीचर एक ही शिक्षक को बहुत सारे विद्यार्थी को पढ़ाना पड़ता है, एक ही रूम में बहुत सारे विद्यार्थी को कोच कोच के
भेड़ और बकरियों की तरह रखा जाता है, लेकिन इसकी वजह से भी शिक्षा नहीं होता है। आप देखेंगे तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मास्टर आएगा मोटरसाइकिल से पढ़ाने, उसका भी अच्छा टाई बेल्ट कोट लगा कर आएगा, विद्यार्थी लोगों को भी टाई बेल्ट शूज सब कुछ होता है, और उन लोग लगता है कि वो लोग यूनिक स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं क्योंकि उन लोग के पास सब कुछ है। लेकिन सरकारी में पढ़ने वाला क्या होता है कि मास्टर भी आएंगे तो पैदल ही आएंगे, साइकिल से आएंगे, और कभी कभी उन लोगों को भी व्हीकल होता है, और विद्यार्थी लोग आएंगे कभी बिना ड्रेस के आएंगे, बिना कपड़े के। उन लोग क्या है कि गाँव देहात में रहते हैं बच्चों, लेकिन इसके ये देखिए बच्चों में कोई गलती नहीं है, गलती ना गार्जियन में है, गलती है विद्यालय में और उस अगर सरकार में। अगर सरकार चाहेगी तो देश को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए देखिए आज़ादी के पहले तक हर 11 महीना महिला में एक महिला शिक्षित होती थी, महिला का शिक्षित दर उस टाइम में 9% था। लेकिन आज़ादी के बाद अगर हम लोग बात करें 2020 और 21 के, उसकी तुलना में महिला का लिटरेसी रेट जो होता है शिक्षित दर वो 77% है, 77%। और इसी तरह जो आदमी मेंस का हम लोग देखेंगे लिटरेसी रेट 84.7% अर्थात 84.7% है। तो देखिए यहाँ भी अंतर है, यहाँ मेल की तुलना में फीमेल की पॉपुलेशन कम है, लगभग इसमें देख सकते हैं आप कि 8-9% का डिफरेंसेस है। लेकिन देखिए महिला पुरुष दोनों बराबर होते हैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर महिला और हर पुरुष के पास समान अधिकार होगा। आज देखेंगे अपने समाज में कि शिक्षित परिवार में हर बच्चे चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो उसको शिक्षा मिलता है, लेकिन गांव देहात में लोग कहते हैं कि लड़की बढ़ाने से क्या होगा, वो तो दूसरे के घर में जाकर बर्तन धोएगी, उसको चूल्हा चौकी संभालिए, बस खाना बनाने सिखाइए। इसी तरह समाज में क्या है कि बहुत ही गैप हो रहा है, बच्चे जो बेटा है उसको शिक्षा, जो बेटी है उसको शिक्षा नहीं, उसको बस किचन दिखा दो, इसकी वजह से समाज में एकरूपता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको आज कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, देखिए प्राइवेट में काम करने वाला शिक्षक का तलब बहुत ही कम होता है, सैलरी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पाले तो बहुत अच्छा, लेकिन वही शिक्षक अगर पढ़ाए सरकारी में तो उसका तलब 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 होता है हर महीने। ये क्यों? अगर हर सरकारी शिक्षक का सैलरी अच्छा है तो उसी के अनुसार अपने स्कूल को भी सरकारी विद्यालयों को भी मरम्मत कराइए, आगे बढ़ाइए, हर सुख सुविधा दीजिए। और प्राइवेट में भी अगर प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा फी ले रही है तो उसी अनुसार अपने शिक्षकों को भी प्राइवेट स्कूल में तलब अच्छा दें, ताकि वो भी निरंतर रूप में स्थायी रूप में रह सकें और अपने शिक्षा के जो मार्गदर्शन है विद्यार्थी को दे सकें। इसलिए देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए आप यूरोपियन कंट्री को देखेंगे ना और वेस्टर्न कंट्री को देखेंगे, खासकर फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी वगैरह, कनाडा, यूएसए, ये लोग क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि देखिए ये लोग हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि इन लोगों देश में शिक्षा को बहुत मजबूत नींव दिया है, इन लोगों ने शिक्षा को जो एक होना चाहिए गुणस्तर वो अच्छा दिया है, क्वालिटी अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा। इसलिए उन लोग को जो विचार है, जो अपने काम में लगे पड़े हुए हैं, इसलिए विकास हुआ है। जापान को देख लीजिए, वो भी बहुत विकसित है, एशिया में रहे लेकिन बहुत विकसित। इसलिए किसी भी समाज को आप विकास करने के लिए उस समाज में रहने वाले हर बच्चे को अगर सही शिक्षा देंगे और हर बच्चे को पहुँच में शिक्षा को पहुँचाएंगे तो वो देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के अवसर में सभी बच्चों को आप लोगों को मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप लोग शिक्षित बने, और जो भी आपको वीडियो चाहिए जैसे भी चाहिए हमको बताइए, हम आपको शिक्षा शिक्षित करने में और कसर पूरा करेंगे। धन्यवाद।